students, welcome to our channel. Let's start today's session. We are doing miscellaneous exercise of chapter 3 and we had done the questions from 1 to 6 in the last video of this exercise. Today we are going to start from question number 7, that is sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. तो ये कैसे होगा, देखो आज का छोटा ही सेशन रखेंगे, 7th, 8th, 9th और 10th, चार क्वेश्चन ही करेंगे. बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो. अब एक जो आपकी डाउट आ रहा था, एग्जाम्पल नंबर 28 में डाउट क्या आ रहा था, कुछ बच्चों ने मैसेज किया मुझे इंस्टाग्राम पर, तो ये डाउट आ रहा था कि यहाँ कोस जो x बाय टू आया है वो प्लस में क्यों आ रहा है, कोस x बाय टू प्लस में वैल्यू क्यों आ रही है, जबकि क्या क्वाड्रेंट दे रखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई और 3π/2 कहाँ लाई करता है, दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. देखो भैया, अगर आपका कोई भी डाउट आता तो वो उस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा. तो लाइव सेशन लेने की भी हम जल्दी ही ट्राई करेंगे, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा फिर आपको बिल्कुल क्वेश्चंस वहीं करवाए जाएंगे बिल्कुल लाइव वीडियो में, और आपके डाउट्स भी वहीं लिए जाएंगे. देखो अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू लाई कर रही है ना ये तो, लेकिन अगर हम अपना एंगल हाफ कर रहे हैं दैट इज एक्स बाय टू, तो वैल्यू भी तो हाफ होगी, पाई बाय टू एंड 3π/4, 2 × 2 = 4. तो x by 2 की वैल्यू पाई बाय 2 और 3π/4 के बीच में लाई कर रही है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव वैल्यू ली है. क्लियर हुआ डाउट, क्योंकि देखो ये टेंजेंट x की वैल्यू 3π/4 थी, तो x की कंडीशन दे रखी थी ये. अगर हम साइन x या कोस x निकालते हैं या कोट x, सीकेंट x, कोसेकेंट x, जो भी फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल x ले रहे हैं तो ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम अपना एंगल का हाफ कर रहे हैं, 3/4 कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो हमें अपनी कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा. क्लियर, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x को इसके इक्वल प्रूव करना है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है किसका फॉर्मूला लगना है, सी डी का, सी डी वाले जो फॉर्मूले होते हैं. तो क्या रखेंगे, देखो साइन 3x माइनस साइन x को इकट्ठा रख लिया, साइन 2x को अलग रख लिया. क्यों रखा अलग, क्योंकि अगर 3x प्लस 2x हमें क्या करना पड़ता है, सी प्लस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2, तो अगर इनको प्लस करेंगे 5/2 बनेगा, वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इजी होने के बजाय. तो साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x ये रखा, तो सी डी फॉर्मूला लगेगा, साइन x माइनस साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2, यही होगा. देखो इनको प्लस किया 4 by 2, तो आगे इनको माइनस किया कितना, 2x by 2, दैट इज x हो गया, प्लस साइन 2x, 2 cos 2x sin x, sin 2x का फॉर्मूला ये हम पहले भी कर चुके हैं, 2 sin x cos x होता है, या हम कई बार रिवर्स फॉर्मूला भी यूज करते हैं, जैसे 2 sin x cos x आ जाता तो उसको sin 2x बना लेते हैं. तो जैसे जैसे अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं, डेली जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आपके हर एक डाउट क्लियर होगा. कई चीजें क्या होती है, बहुत सारी आ जाती है, तो कुछ एक आध चीज बतानी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं आगे जाके वीडियोस में वो डिस्कस कर लेती हूँ, तो आप वीडियोस को देखा करो अच्छे से. साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन x यहाँ से क्या रह गया, कोस 2x यहाँ से क्या रह गया, कोस x, 2 साइन x, देखो फिर से सीडी फॉर्मूला लग रहा है, कोस c प्लस कोस d का, 2 कोस दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2. अब ये 2 हमारी मजबूरी है कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई और टर्म है नहीं, तो इसको कैंसिल आउट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो हमें फाइंड आउट करना था. तो कितने आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. क्वेश्चन नंबर 9th कर लेते हैं, 8th अभी बाद में करवाती हूँ. फाइंड क्या करना है, साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टेंजेंट एक्स बाय टू, लेकिन वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉस एक्स की, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/3, और एक्स को किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे. अगर कॉस एक्स दे रखा है, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्वाड्रेंट थर्ड ही देखेंगे. लेकिन अगर एक्स बाय टू
की बात हो रही है तो हम अपने एंगल का हाफ करेंगे तो क्वाड्रेंट भी चेंज होगा। क्लियर? देखो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल जब स्टार्टिंग में किया था हमने साइन, देखो 1 प्लस कोस ए किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाय 2, 1 माइनस कोस ए किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। यही तो साइन एक्स बाय 2 यानी कि एंगल ए को एक्स मान लिया तो क्या हो सकता है? देखो 2 उस साइड गया तो नीचे आ गया। इन दोनों को देखो कैसे किया हुआ है, अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये डिनोमिनेटर में गया, कितना आ गया 1 माइनस कोस 2 एक्स बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, करके दिखाती हूँ। देखो 1 माइनस कोस ए को एक्स ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यही हुआ। अब अगर हमें इसका स्क्वायर हटाना है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट। यही लिखा हुआ है साइन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बाय 2। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर हटाते हैं, किसी का भी स्क्वायर हटाते हैं, तो उसके आगे दो साइन लगते हैं प्लस या माइनस, क्योंकि जैसे अगर हम माइनस 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी वो पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम इसके आगे दो सिंबल लगा देते हैं, दो साइन लगा देते हैं प्लस और माइनस का। तो कोस एक्स की वैल्यू तो वी नो माइनस 1/3, कोस एक्स की वैल्यू माइनस 1/3 पुट कर ली। अब 1/3 के आगे दो साइन हो गए माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4/3 डिवाइडेड बाय 2, ये रेसिप्रोकल होके कितना हो गया 1/2, तो सॉल्व करके कितना आया 2/3, 2/3 आया। अब 2/3 देखो इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी रूट आ रहा था इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज की, तो 3/3, 3 2 6 आ गया, 3 3 9 आ गया। अब 6 का तो अंडर रूट होता नहीं है क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो अब 9 का क्या किसका होता है 3 का, तो कितना आ गया प्लस माइनस रूट 6/3 वैल्यू आ गई। क्लियर? अब पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे। अगर एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट कहां बनता है, यहां 0, यहां पाई बाय 2, ये हेयर इज पाई 3π/2 और फिर से 2π, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो यहां लाई करता है। अब देखो अगर एंगल हाफ हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा पाई बाय 2 से, सॉरी यहां 3π/4 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, हाफ हो जाए भाई एंगल। देखो पाई बाय 2 अगर एक्स की वैल्यू किस में लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से स्टार्ट होता है, पाई से स्टार्ट होता है, पाई से स्टार्ट, तो एक्स की वैल्यू हाफ होगी तो पाई बाय 2 ही आएगा ना। दिखाती हूं एक बार आपको, देखो कितना आ गया पाई बाय 2, यहां कितना है पाई, हेयर इज 3π/2, हेयर इज 2π, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट, इसने हमें एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी कि कहां से किसके बीच में लाई करती है, जैसे हमें एग्जांपल नंबर 28 में गिवन थी, तो ऐसे गिवन नहीं है। अब इसने ये बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तो पाई से स्टार्ट हो गए 3π/2 पे खत्म हो जाता है, यही होता है। अब पाई से स्टार्ट हो गए 3π/2 पे खत्म हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 तक है, यही है। तो एंगल का हाफ करना है, एक्स बाय 2 यहाँ पाई बाय 2 और हेयर इज 3π/4 होगा, क्योंकि ये हाफ करेंगे तो 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 3π/4, यहाँ गलत लिखा हुआ भाई 3π/4 आएगा, हो जाती है कई बार मिस्टेक्स, तो 3π/4 आएगा, तो पाई बाय 2 इज लेस देन x/2 इज लेस देन 3π/4, तो क्या हो गया इसमें, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है और x बाय 2 यानी कि यहां लाई करेगा कुछ कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो लाई करेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। सिंपल सा ये लॉजिक है, अगर आपको x में दे रखा है और x बाय 2 या x बाय 4 निकालना तो एंगल को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दो जो चाहिए हमें, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देख लो और क्वाड्रेंट में ये देख लो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। अब cos x ये भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, किस फॉर्मूले से, 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू हमें पता है, इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का अंडर रूट 3। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां हमारे पास आ रहा है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि एंगल का हाफ है। अब
सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लिख दिया। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है। टेंजेंट एक्स बाय टू, टेंजेंट एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, वी गेट द आंसर -2। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर आपको छोटे से छोटा भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दिया करो। टेंजेंट x इज इक्वल टू -4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू -4/3। अब टेंजेंट x -4/3 है तो क्या नहीं पता हमें, हमें ये पढ़ा होगा आपने एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी कि 4 क्या हो गया, -4 हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया, 3 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज रह गया। एक हमारे पास ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पर ही लगती है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो भी हमारे पास मान लो यहाँ एंगल एक्स है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो रह गया वो बेस होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें दो वैल्यूज पता होती है, कोई भी दो, तो हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कॉस क्या होता है, बी बाय एच, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया, 3। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 5। अब नेगेटिव या पॉजिटिव साइन ही आपके क्वेश्चन को ठीक या गलत कर सकता है। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, यहां भी एक्स था और निकालना भी एक्स है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर हुई चीज। अब आगे देखो, एक्स बाय टू कॉस एक्स आ गया। जैसे हमारे पास कॉस एक्स आया, लास्ट क्वेश्चन में भी है, तो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू थी, फिर से वही साइन एक्स बाय टू का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस एक्स बाय टू का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। टेंजेंट एक्स बाय टू का क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय टू बाय कॉस एक्स बाय टू। क्लियर हुई बात। जो 7th, 8th, 9th, 10th चार क्वेश्चन हमारे, सब में साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टेंजेंट एक्स बाय टू फाइंड आउट करना है। अगर एक्स जो हमारे पास क्वाड्रेंट है पाई बाय टू और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स बाय टू पाई बाय फोर और पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा, क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड करेंगे, तो क्वाड्रेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज होगा, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगी, वो भी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10th, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड। कोस एक्स, देखो साइन एक्स हमें पता है, साइन एक्स पता है, तो साइन एक्स पता है तो ये क्या होता है, पी बाय एच, ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो बेस वी कैन फाइंड आउट। बेस हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई, ये पी हो गया, ये एच हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। बेस आ गया तो कोस क्या होता है, बी बाय एच, बी कितना है, √15, एच कितना है, 4, तो कोस एक्स आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस एक्स बाय टू, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कोस एक्स बाय टू, प्लस माइनस बाहर लिख देंगे, ये नेगेटिव बता ही दिया मैंने क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आई 8 -2√15/4 एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है पाई बाय टू से, एक्स की वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई बाय टू से कितनी हो जाएगी, पाई, यही हो जाएगी, तो एक्स बाय टू यानी कि इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो गया और इसका भी हाफ हो गया, तो पाई बाय फोर से कहा जाएगा, पाई बाय टू जाएगा, पाई बाय फोर से कहा जाएगा, पाई बाय टू जाएगा, तो ये किसमें लाई करेगा, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, पाई बाय फोर दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ प्लस का साइन ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर की सिर्फ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज बचती है, तो अभी तक जो मैंने देखा रिड्यूस सिलेबस में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नहीं कट हुई, फिर भी अगर एक बार और अच्छे से चेक कर लो कि अगर सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, वैसे तो कट नहीं हुई, अगले सेशन में हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर की 5th चैप्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज रिमूव हो चुकी है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, जो भी हमने अब तक
ये वाला चैप्टर थर्ड चैप्टर किया है। कोई डाउट आए तो मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तभी फिर लाइव सेशन लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।